आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, त्योहारों का मौसम चल रहा है और बाहर से हमें कुछ मीठा लाना नहीं है, तो घर में हम मीठा क्या बनाएं? तो बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके सामने आज मैं लेके आई हूँ। घेवर सभी को बहुत पसंद होता है और आज मैं मलाई घेवर की रेसिपी यानी कि रबड़ी घेवर की रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ, जो कि हम इंस्टेंटली बना के तैयार करेंगे और बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे हम बनाना बताएंगे आपको। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। रबड़ी घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है और इसे हम गर्म करके और इसकी रबड़ी बनाएंगे। दूध को हमने स्लो फ्लेम पे रखा है और साइड वाले गैस पे हम तब तक चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक दूसरे पैन में हमने 1/2 कप चीनी ले ली है और इस चीनी में हम 1/4 कप पानी डाल देंगे, यानी चीनी जितनी ली है हमने उसका 1/2 हमें पानी डाल देना है और गैस ऑन करके तार की चाशनी बनानी है हमें इसकी। फ्रेंड्स, हमारी चाशनी बन करके बिल्कुल तैयार है। हमें लगभग 1 तार की चाशनी इसमें चाहिए और आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जब आप स्पून से इस तरह से गिराएंगे इसे, लास्ट वाली ड्रॉप थोड़ी सी देर से गिरती है, मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। और इधर हमारे दूध में भी बिल्कुल उबाल आ चुका है और इसकी हमें रबड़ी बनानी है। तो चाशनी के लिए हम गैस ऑफ कर देते हैं और एक तरफ रख देंगे उसे। यहाँ हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ रहा है, इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और हम चलते हैं हमारे अगले प्रोसेस की तरफ। दूध की जो फ्लेम है हम स्लो पे कर देंगे, रबड़ी लो फ्लेम पे बनती रहेगी जब तक हम ब्रेड काट के तैयार करें। घेवर बनाने के लिए यहाँ हमने 4 से 5 ब्राउन ब्रेड ले ली है, आप यहाँ वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब एक ब्रेड ले लेते हैं और जो भी साइज की आप ब्रेड ले रहे हैं उसी की साइज का या तो आप एक कटोरी ले लीजिए इस तरह से, ये बराबर इसमें फिट बैठ रही है, और नहीं तो आप कोई भी इस तरह से ढक्कन ले सकते हैं किसी भी डिब्बे का और इसको प्रेस करेंगे हम अच्छे से और जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल लेंगे। और इस तरह से ये हमारे पास तैयार हो जाएगी हमारी ब्रेड। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। और अभी हमें एक इस तरह से छोटी सी कैप ले लेंगे हम और इसके बिल्कुल बीच में फिर से प्रेस करना है और फिर हम इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल जैसे हम डोनट बनाते हैं उसी शेप में हमें इसे तैयार करना है। और ये जो एक्स्ट्रा ब्रेड निकलती है उसे आप ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज कर सकते हैं और सारी ब्रेड हम इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारी ब्रेड तैयार कर ली है घेवर के शेप में काट के, अभी हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ हमारा दूध उबल करके लगभग 1/2 हो चुका है तो इस समय हम इसमें शक्कर डाल देंगे, यानी चीनी डाल देते हैं हम। यहाँ 1/3 कप मैंने चीनी ली है, ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और अभी हमें इसे फिर से गाढ़ा होने के लिए रख देना है लो फ्लेम पर। हमें दूध को तब तक गाढ़ा करना है जब तक ये 1/4 बचे, यानी 1 लीटर हमने दूध लिया है तो उसका 1/4 ही बचना चाहिए, तब तक हमें ये दूध गाढ़ा करना है और इसकी रबड़ी बनानी है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और जो भी दूध साइड में यानी इसके किनारे पे जमता है उसे इस तरह से मिक्स करते रहेंगे इसी दूध में, ताकि हमारी रबड़ी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो। आप चाहें तो इस समय इसमें केसर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आएगा उससे। तो यहाँ हमारी रबड़ी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं।
अभी ये ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। अभी इसी समय हम गैस ऑफ कर देते हैं और यहाँ आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर ले लिया हमने, इसमें मिक्स कर देंगे और अभी इसे हम एक तरफ रख देते हैं और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ब्रेड को फ्राई करने के लिए यहाँ हमने घी ले लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, और इसे हमें मीडियम गरम करना है। हमारा घी जो है वो मीडियम हॉट हो चुका है, तो अभी हम इसमें जो हमने ये ब्रेड तैयार करके रखी है वो इसमें डालेंगे। हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ब्रेड को फ्राई करना है। ये हमारी ब्रेड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। अभी यहाँ हमने एक प्लेट में इस तरह से स्टैंड ले लिया है, नीचे उसके ऊपर हमने इस ब्रेड को रखा है ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी होगा वो नीचे प्लेट में चला जाएगा। ये हमारी बाकी की ब्रेड भी फ्राई होके तैयार है, इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ब्रेड को फ्राई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पे आपको ब्रेड फ्राई बिल्कुल नहीं करनी है, वरना वो बहुत ज़्यादा घी सौंख लेगी, या ऑयल से आप फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल बहुत ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर लेगी। हमेशा मीडियम हॉट ऑयल में या घी में ही आपको फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अभी हमारी चाशनी गुनगुनी हो चुकी है और इसमें हम ये एक इलायची का पाउडर मिला देते हैं, मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से। अभी हमें क्या करना है, ये एक प्लेट ले ली है हमने, इसमें हम इस तरह से एक स्टैंड रख देंगे और उसके ऊपर जो हमने ब्रेड के पीसेस फ्राई करके रखे हैं उसे एक रख देते हैं इस पे, और ये जो चाशनी हमने तैयार करके रखी है उसे हम थोड़ी थोड़ी इस पे डालेंगे। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे चली जाएगी प्लेट में। बहुत ज़्यादा चाशनी हमें नहीं लगानी है इस पे, बस 2 से 3 चम्मच आप लगा लें, उसमें ही ये घेवर हमारा मीठा हो जाएगा। और यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो और ज़्यादा उसको चाशनी में डिप कर सकते हैं पूरा। तो इसी तरह से हम सारे जो ब्रेड हैं उनको चाशनी लगा के तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमने सभी घेवर पे चाशनी लगा के तैयार कर दिया है इसे। अभी हमें इस पे रबड़ी लगानी है। एक प्लेट में हम एक ब्रेड को उठा लेंगे और इसमें रख देते हैं। जो हमने रबड़ी तैयार करके रखी है उसे हम इस पे लगाएंगे। अब आपको अच्छे से चम्मच की सहायता से चारों तरफ फैला लेनी है इसे, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई हो। चारों तरफ एक समान परत लगा लें आप। यहाँ हमने एक घेवर तैयार कर लिया है, अभी हम इसे कुछ पिस्ता कतरन से सजा देते हैं। और इस पर हम कुछ बादाम रख देंगे। और कुछ धागे केसर के हम इस पे लगा देते हैं। तो ये देखिए, हमारा रबड़ी घेवर बिल्कुल तैयार है और सारे घेवर हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम सारे जो चाशनी के घेवर हैं वो तैयार करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन हमें रबड़ी उसी समय लगानी है जब इन्हें हमें सर्व करना है, नहीं तो सॉफ्ट हो सकते हैं हमारे घेवर। तो फ्रेंड्स, हमारे इंस्टेंट घेवर बनकर के बिल्कुल तैयार हैं, और आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं ना। जब आप ये घेवर खाएंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा ये मार्केट के घेवर हैं या हमने इसे घर पे बना के तैयार किए हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलेंगे हम इसी तरह की नई नई रेसिपीज़।